लीडर मुझे से ख्याल पिछले वीक के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हैदराबाद से आए हुए शरीफ भाई और तमाम मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान बहुजन वंचित अघाड़ी के जिम्मेदारान और यहाँ पर उपस्थित मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग मेरे भाई और घर पर बैठ कर सुनने वाली मेरी पता नहीं आज का ये जलसा इंतजामी जलसा है क्योंकि 23 अप्रैल के दिन औरंगाबाद में लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारा है, शिवसेना ने उतारा, कांग्रेस पंजे ने उतारा, उसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके अपने लाडले, आपका अपना भाई, आपका अपना हमदर्द, आपका अपना चहिता इम्तियाज जलील को उतारा है। आप देश का माहौल तो देख ही रहे हो, एक तरफ बीजेपी शिवसेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, एक साथ दूसरा असगर, एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक सामने से वार करता है, एक पीछे से जुड़ा भोगता है, कारो बदमाश करता है, उसके बीच में आपके सामने बदले से क्या दूंगा, इनकी कप्तानी का समझ करता हूं मैं आपके सामने। ये भाजपा और कांग्रेस, ये शिवसेना 3 महीने पहले पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा था कि किस तरह आपस में सौतनों को माफी मिल रहे थे, तुम्हें की तरह लड़ाई हो रही थी, रावत कुंडी का सामना उधर से शाह वो कुछ बोला इधर से ये कुछ बोला, अरे एक तो बचता है हम अलग करेंगे, अरे मंदिर बनाने के लिए भाग रहे दोनों, एक पहले जाने वाला था तो उद्धव ठाकरे ट्रेन पकड़ के चला गया, मुझे अपने ट्रेन का ट्रेन पे चले गया, ट्रेन पे दस बार आठ कर पटर को लेके चले गए, मैं आरती का ट्रेन कर गया, अरे क्या नाटक प्रस्तुत किया वहां अचानक एक दिन शाह साहब आते हैं फ्लाइट से सीधा जाते हैं मातोश्री की तरफ, उद्धव ठाकरे ने खाना खिलाया क्या खिलाया मालूम नहीं, दोनों गले मिले मिले आए, आज से हम एक साथ हैं, कल तक लड़ रहा था आज एक हो गया, इतना बड़ा टुकड़ा तो मैंने किसी को नहीं देखा, ये टुकड़ा पूरा है कि नहीं है भाई, बचपन में भी नहीं है कि नहीं है, तो क्या ऐसे बचपन का साथ देने का चिल्लर पार्टी और भाजपा ने तो हद कर दी, तो हमेशा से बोलते थे ये आरएसएस और बीजेपी वाले मुसलमान और दलितों के दुश्मन है, दुश्मन याद रखें, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मुसलमान और दलितों का है तो ये बीजेपी और शिवसेना आरएसएस वाले, इन्होंने सबूत दिया इस बात का, जब के एक बम ब्लास्ट की आरोपी, यूपीए की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इतने मासूम बेगुनाहों की कातिल है, ये साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में जेल में गई, जेल में से अर्जी करी कोर्ट को मेरी तबीयत खराब है मुझे मेडिकल ग्राउंड पे जमानत दो, मेडिकल ग्राउंड पे जमानत लेकर बाहर आई और अभी मोदी क्या किया उसको भोपाल से टिकट दे दिए के जा तू लड़ चुनाव के अंदर, अरे शर्म करो शर्म, अरे बलकांड की आरोपी जमानत पे बाहर आई है, कल जमानत भट गई तो शादी होकर फिर से चले गई समझ लो, अगर ये राजनीति देखो इनकी, अगर ये काम वाइस प्रधान किया होता क्या होता, अब तक मुझे देशद्रोही एंटी नेशनल पाकिस्तान जाओ,
अरे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे ठेका ले लिया, अरे आए गए चलो चलो आओ जीत जाओ पाकिस्तान जाओ। अरे भेजने का ऑस्ट्रेलिया जैसे कहे भाई घूमेंगे अच्छी जगह है क्या, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे भाई घूमते फिर जा रहे, क्योंकि ये मुल्क हमारे बाप का था, हमारे बाप का है और हमारे बाप का। भाजपा वालों, शिवसेना वालों, आरएसएस वालों, इनको जाना है हमारे पास, आ जाओ बिना टिकट नेपाल भेज देंगे, चलो गाँव दुर्लभ दिए हमने भी साफ करो नजर आता है। ये राजनीति चल रही है आजकल देश में, शिवसेना भाजपा दोनों मिलकर एक होकर आए महाराष्ट्र के अंदर, चुनाव लड़ने के लिए आए, औरंगाबाद से खड़ा कर दिया, फिर वो 20 साल हो रहा पुरानी फ्रेम पुराना फोटो, वंचित बहुजन आगे आई 25 हजार उसने मिला, नया नया खूबसूरत चेहरा, नया नया फ्रेम दे दिया आपके सामने, ये फर्क है हम पे। इनके पास एक ही मुद्दा है, रिलीजन पॉलिटिक्स करें, कांग्रेस शरद आरू तो मोदी नेक्स्ट पोजिशन थी, कांग्रेस राहुल बाबा चले गए 15 मंदिर में गुजरात चुनाव के पहले, मोदी चले गए 20 मंदिर में गुजरात चुनाव के पहले, अरे क्या मंदिर मंदिर की फाइट करेंगे, विकास की भी बात करेंगे मोदी और राहुल बाबा, बता लो बोलो 70 साल आजादी को हो गए, आज भी हम मंदिर मंदिर कर रहे हैं, और यही नहीं अरे शर्म आती है 70 साल के बाद जब आप हमको पूछते हो हमारी नेशनलिज्म हमारी पेट्रोलिज्म को चैलेंज करते हो, तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें दी है, तब जाकर आज हमारा हिंदुस्तान साथ हुआ है। कहा भाई आ रहे सर शिवसेना, कहा चाहिए भगवान, अरे ये तो वो लोग आरएसएस वाले जिन्होंने 52 साल तक अपने तिरंगे को इनके हेडक्वार्टर नागपुर में नहीं लहराया, याद रखो ये इतने बड़े देश के कर्तार देश में, और हमको पूछ रहे हैं तुम, हमको पूछ रहे हैं नेशनलिज्म प्रूव करो, सेक्युलरिज्म प्रूव करो, देश में रहना है, भारत माता बोलो, वंदे बोलो, प्रणाम बोलो, अरे नहीं बोलना चल 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 कुछ भी नहीं बोलेगा चलो, देश में बोलने से हमारा हिसाब किताब लगाएंगे क्या, अरे मैं तो टीवी की डिबेट में भी संविधान लेकर बढ़िया जो है संविधान में पता कहा लिखा है, क्योंकि मेरे लिए विश्व रतन स्वर्ण रतन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ये आरएसएस और भाजपा और ये शिवसेना वालों से पास करना पड़ा है, इस संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है मगर फिर भी है, ये बोलो भला बोलो टिंका को नहीं बोलेंगे आप, तो वायर कर गया ना, और ये अब आते हैं पंजे की तरफ, बाद में वापिस आएंगे इनकी तरफ, बच्चों को छू लो रही है आज इनकी शामत आई आज छोड़ने वाला नहीं, किराड़पुर की जनता पूरी के पूरी हाजिर है, सुनना पड़ेगा मैं सुनाऊंगा बना मारा, ये पंजे के आजकल कुछ किल्ला टपोरी आजू बाजू घूम रहे हैं कांग्रेस, ये जामबर आमबर टावर के कुछ कपोरी अपोरी कपोरी आजूबाजू, तो इनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ बेटा, वायलेंट हो जाओ नहीं तो हम लोग वायलेंट हो जाएंगे, इनको ज्यादा बोल के भाव नहीं देने का, इनको उनकी जगह पे इमरान हमको आता है मुकाबला कैसा करना, पंजा कितने साल तुमने सत्ता में 70 वर्ष तुमने राज किया ना हिंदुस्तान में, क्या क्या तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों के साथ आज तक, महाराष्ट्र में 15 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, 3 कमेटी के रिपोर्ट इनके सामने पेश किए गए, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी,
हर कमेटी ने यह कहा कि महाराष्ट्र का कास्ट मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीन कमेटी के रिपोर्ट थे। ए भाई जरा खामोश बैठे, यार सुनने गए तो खामोश बैठे, तो भाई जाके बैठ जाओ। सीरियस बात हो रही है, मस्ती मजाक नहीं करते हैं। तीन कमेटी का रिपोर्ट आए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल तक। तीनों कमेटी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है कास्ट पे, जिसको उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर रिजर्वेशन का यह रिपोर्ट पड़ा, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया। 2014 के चुनाव के पहले जब कांग्रेस को यह लगा कि हाँ अब तो नैया टूटने वाली है, अब हारने वाले हैं, पंजा टाटा बाय बाय होने वाला है, जाते जाते 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया। इस रिजर्वेशन का भी कोई पक्का कानून नहीं बना, लिहाजा भाजपा की जब सरकार आई उन्होंने रिजर्वेशन हटा दिया। जब मुंबई की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कहा कि तुमको 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, फिर भी ये बीजेपी की सरकार को रिजर्वेशन नहीं दिया, तो कहा गया इनका जुमला सबका साथ सबका विकास, सबका का विकास। अरे रिजर्वेशन हरीश बरन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा था, मैं रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मांग रहा था, और मेरे भाई बहन बुजुर्गों के लिए मांग रहा था जिनका अरमान था, जिनके दिल में सपना था कि उनका भी बेटा उनकी भी बेटी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, और तमाम दूसरे राज्य के नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। रिजर्वेशन उनके लिए अगर नहीं दिया सरकार ने रिजर्वेशन, मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया, 52% था 16% और दे दिया, तो हमको अफसोस नहीं, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को और धनगर समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? हेडक्वार्टर से मोदी चाय वाले का हुक्म नहीं आया था भाई। हाँ आए दिन सुना हमने 4.5 साल में एक ही थी, विकास की तो बात कभी सुनी नहीं 5 साल में हमने। जब टीवी खोला मोदी बैठे, मैं तो चाय वाला हूं, मेरा क्या है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, हम आपका काम करूंगा। हमने जब भी जवाब दिया, बिल्कुल चाय वाले तुमको जंगल भेजेंगे, मगर चाय की केटली भी हम देंगे, चाय की पत्ती भी हम देंगे, चीनी भी हम देंगे, तुमको जंगल भेजेंगे। वो खत्म हुआ नहीं, इधर उधर की बात की है, लोगों ने सवाल चालू कर दिया। मोदी जी 2014 में आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, क्या रोजगार दिया 2 करोड़ लोगों को? 15 लाख रुपए एक एक के अकाउंट में जमा कर दूंगा। मेरे भी सपने शुरू हो गए, 15 लाख आएगा तो मैं भी थोड़ा घूम फिर मेरा घर बन जाए, मगर आज तक सपने में 15 लाख भी नहीं है। काला धन जो देश का बाहर है, वो काला धन लेकर आऊंगा हिंदुस्तान में, वो भी नहीं लाए, बल्कि जो देश का आपकी मेरी मेहनत की कमाई का जो हम टैक्स भरते हैं, वो जो सफेद धन था वो भी विजय वालिया लेकर चला गया, टाटा बाय बाय करता हुआ निकल गया, वो भी नीरव चौकसी लेकर चला गया, वो भी लेकर चला गया, सफेद धन भी हमारे जेब, देश का था पूरा बाजार चले। और चौकीदार क्या कर रहे थे? ठंडा लेकर बैठे थे रात को सो। चौकीदार चोर तो है ही, चौकीदार सुस्त भी है, सुस्त घोर भी है, लेजी है, काम में ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी वजह से देश की हालत खराब। मैं चौकीदार, अरे चौकीदार उनको भी जंगल भेजेंगे, उनको भी जाना है, टोपी भी हम देंगे चौकीदार की, चौकीदार की सीटी भी हम देंगे,
अटंडा में हम लेके जाओ, जंगल में लेके जाओ, तो बुझाते रहना अपराधी चक्की। तो देश में यही चल रहा है, चाय वाला चौकीदार पप्पू पप्पू टप्पू, अरे काम की बात बंद करो, कब काम की बात करोगे आपको? अगर अच्छी बहुजन अगाड़ी और बदले से इत्तेहाद मुस्लिम एक डेवलपमेंट प्रोग्राम